वैसे जिन चीजों को आप अपनी वीकनेस समझती है ना, वो दरअसल आपकी खूबसूरती है। थैंक यू। आपको हमारी वजह से परेशानी हो रही है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं आप पे किसी काम आ सका, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। उस दिन अगर आप हमसे ना टकराते तो ना जाने हम कहां जाते। इसका मतलब ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। कुछ साथ किस्मत में लिखे होते हैं। वैसे आप कंफर्टेबल तो है ना यहाँ? हम महफूज हैं, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर आपके चेहरे पे उदासी, ये परेशानी क्यों है? ये उदासी तो अब हमारा मुकद्दर बन चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये मायूसी वाली बातें मत करें। आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। हमारा दर्द सिर्फ हमारा है। जिन्होंने पहले कभी जिंदगी में किसी से इंसल्ट, किसी से एक बात तक न सुनी, उन्हें लोगों की बातें, उनके तल्ख रवैये सहने पड़े, तो ये बात आप कैसे समझ सकते। I'm so sorry. मैं सिर्फ आपको इत्मीनान और दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। ये दिलासे तसल्लियां सब बेकार की बात है। अच्छा, तो उसका मतलब ये कि आपको मेरी भी सारी बातें बेकार ही लगती होंगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। I know. वैसे आप और एमल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जी, वो मेरी तरह डरपोक, कम हिम्मत और बात बात पे रोने वाली नहीं। खैर, कम हिम्मत तो आप भी नहीं है। वैसे जिन चीजों को आप अपनी वीकनेस समझती है ना, वो दरअसल आपकी खूबसूरती है। एनीवे, मैं अम्मी को खाने के लिए बुला के आता हूँ। आप प्लीज इमल को भी बुला रहे हैं।